हम आ चुके हैं कॉस्को में डिलीवरी के लिए, और यहाँ पे उतारेंगे ये स्किडे, और हमें लगाना है डॉक नंबर 69 पे, ये जो सामने आपको दिख रही है बैक अपना ट्रेलर। तो चलिए ट्रक रोक कर पहले खोल लेते हैं डोर, कटर लिया है उठा, अब काट देते हैं सील। तो डोर खुल चुके हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है भाई ये हैं स्किडे। तो भाई कटर रख देते हैं वापस अंदर और इसको कर देते हैं बंद, और ट्रक लगाते हैं फिर बैक। दिन भी निकल आया है तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर आगे चलकर करेंगे डोर बंद। तो भाइयों हम लोगों की डिलीवरी हो चुकी है, अब डोर कर देते हैं जाके बंद ट्रक के। तो चलिए चलते हैं, ट्रेलर हो गया खाली, बस बची है एक स्किड। अब जो एक स्किड बची थी उसको करना है ड्रॉप और फिर करेंगे पिकअप और फिर निकलेंगे घर को। तो चलो भाई बैठते हैं ट्रक पे और चलते हैं। तो भाई ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, ये हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है खाने पीने वाली चीजें। तो शीशा भी अपना काफी गंदा है, इसको कहीं पर रुक कर आगे चल के करते हैं साफ। भाई हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, हमको करनी है एक स्किड ड्रॉप। ये कोई नई बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, तो अब ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ पे जाना है। ये तो इधर बता रहा है जाने को सीधा आगे। तो भाई आज हमारी डिलीवरी है बिल्कुल खाली जगह पे, यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पे सिर्फ एक स्किड की डिलीवरी है हमारी, तो वही करने आए। तो चलो चलते हैं पेपर लेके, पूछते हैं भाई कहाँ पे डिलीवर करना है। तो यहाँ पे तो भाई क्रेनें बहुत बड़ी हैं, आसपास का एरिया बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मुझे ना सिर्फ यही एक बिल्डिंग दिखाई दी है, वो भी नई बन रही है बिल्कुल। तो भाई गोरे से बात हो गई है, बोल रहा है कि ट्रक आगे ले आओ, देखते हैं क्या है स्किड में, तो उसी हिसाब से बताएंगे कहाँ पे जाना है तुम्हें आगे। तो अब जा रहे हैं ट्रक की तरफ, खोलते हैं डोर। कर रहे हैं क्रेन का वेट, गोरे ने मंगवाई है क्रेन स्किड उतारने के लिए, देखते हैं कब आता है। आ गई अपनी क्रेन वाली फोकलिफ्ट, ये निकालेगी अपने ट्रेलर से स्किड। तो गोरा भाई चला है अंदर स्ट्रैप खोलने। मैंने गोरे भाई से बोला था कि कोई ना भाई तुम बैठे रहो, मैं खोल देता हूँ स्ट्रैप अंदर जाकर। बोला नहीं भाई मेरा काम है, कोई ना मैं खोल दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो तब तक भाई आप ये देखो भाई, क्रेन वाली फोकलिफ्ट, काफ़ी बड़े बड़े टायर हैं इसके। तो लगता है गोरे भाई ने स्ट्रैप खोल दी है, अब जल्दी जल्दी से भाई स्किड उतार दो, हमें भी निकलना है यहाँ से और करनी है पिकअप आगे चल के। स्किड उतर गई है, अब निकलते हैं यहां से, आपको बिल्डिंग भी दिखा देते हैं। भाई ये भी देख लो टैंकर कैसे ऊपर उठाया हुआ है, मुझे लग रहा है शायद इसमें होगा तेल। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे थी हमारी एक स्किड की डिलीवरी, और जगह तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब नई बिल्डिंग बन रही थी। तो यहाँ पे डिलीवरी हो गई है, अब निकलते हैं कैलिफोर्निया की तरफ, यहाँ पे है हमारी पिकअप। तो चलिए चलते हैं फिर, सफ़र काफ़ी लंबा है, अबाउट 7 घंटे की ड्राइव है यहाँ से कैलिफोर्निया की, तो निकलते हैं भाई। ठीक है,
आ गए रेस्ट एरिया पे, भूख लगाई थी, सोचा कुछ खा लूं और आप लोगों को रेस्ट एरिया भी दिखा देता हूं। भाई अब खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ये पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं दूर से। अरे वाह भाई क्या लोकेशन है, इतने बड़े पहाड़ और देखने में भी इतने सुंदर लग रहे हैं। और पास में है अपना लव ट्रक स्टॉप, तो अब यहीं पे रुकने जा रहे हैं और करेंगे शिफ्ट चेंज। मैं सोच रहा था भाइयों की हाथ में हो कप, कप में हो कॉफ़ी और सामने पहाड़ों के बैठ के मॉर्निंग में लिया जाए नज़ारा कॉफ़ी का, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई सपनों की दुनिया से आओ बाहर और आगे चलकर करते हैं शिफ्ट को चेंज। हमारी शिफ्ट हो चुकी है ओवर, इससे आगे ट्रक चलाएगा अपना निर्वैर भाई जो कि हमें लेकर जाएगा कैलिफोर्निया। इसकी ड्राइव बची है अबाउट 4 से 5 घंटे, वहां से करेगा लोड पिक और फिर हम वहां से जाएंगे सीधा कनाडा के लिए और हम अपना आगे का व्लॉग करेंगे कल शूट। तो आज के लिए फिर बाय। और हाँ दोस्तों ये भी बताएं आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोग हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू दोस्तों।